जय हिंद अल्फा स्क्वायर। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक से एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं हर बार। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज हम जानेंगे मैट्रिक्स के टाइप के बारे में, मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स को देखते हैं। तो देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके एम एन नंबर्स हों और एम रोज तथा एन कॉलम्स में वो डिवाइड हों, और इन्हें एक आयताकार सारणी में यानी रेक्टेंगुलर सारणी में बंद कर दिया जाए, तो जो हमारा जो निकाय मिलेगा उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए इसको समझते हैं जरा क्या होता है ये। तो आपके पास एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं आपके लिए, जिसका पहला एलिमेंट होगा A11, A12, A13 डैश डैश डैश, ये आपका चलेगा A1n तक, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कितने कॉलम होते हैं, n कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अगला जो एलिमेंट होने वाला है इसका A21, A22, A23 डैश डैश डैश, ये आपका जाएगा इसमें A2n तक, क्योंकि इसमें n कॉलम होते हैं तो एन नंबर तक चलने वाला है। ठीक है, और देखते हैं आगे, A31, A33, A32 और A33 डैश डैश डैश, आपका जाएगा A3n तक, ऐसे आपका ये नीचे तक जाएगा। तो इसमें आपका AM1, अगला आपका होने वाला है जो डैश 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 AM2, और ये जो आपका होने वाला है AM3, और ये आपका लास्ट में चलेगा AM(n)। इसे थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूँ रफ करके। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट क्या है आपका AMn। मैंने आपको उसमें पहले डिफाइन कर दिया था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें MN एलिमेंट होते हैं, MN मतलब M(n)। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट हो गया, ये आपका मैट्रिक्स होगा, जो आपका ये जो बन के आया एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर सारणी में जो ये सिस्टम बन के आया इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो आती है बात, इस पर सबसे पहले जो पूछी जाती है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे किसी मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो इस प्रकार से लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का जो आप लिखेंगे ऑर्डर, लिख देते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आप इसमें नंबर्स ऑफ रोज देख सकते हैं कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 डेड डेड डेट्स खाता गया, एम तक यानी एम रोज थी इसमें। और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर देखिए, जो लास्ट वाला वो कॉलम का नंबर प्रदर्शित करता है, 1, 2, 3 डैश डैश एन तक गया। तो इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो होने वाला है एम इंटू एन। तो आपको इसके बात को समझ में आ गया, अगर किसी से आपको यहाँ से मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए जरा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। ये मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 5, 6, 8, 3, 9, 0, 1 4, 2, 5, 6। अब आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, तो देखिए नंबर्स ऑफ रोज इसमें कितना है 3, और नंबर्स ऑफ कॉलम कितना है इसमें, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं इसमें, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। वहीं पर आपसे इसमें अगर पूछ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले हैं, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो आप गिनेंगे तब भी आप कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं 12 ही, 4 ऊपर हैं, 4 इस वाली रो में, 4 इस वाली रो में, तीनों को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और सीधे आप अगर मल्टीप्लाई भी करा देंगे तो आपको नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे, क्योंकि इसका सवाल आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कुछ घुमा देसी ये वाला आपसे पूछ लेता, मान लीजिए मैट्रिक्स जनरल वाला ही पूछ लेता, अगर आपसे पूछता है इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो आप कैसे निकालते हैं, पहले आपको इसमें नंबर ऑफ रोज निकालनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, देखिए 1, 2, 3 और कहाँ तक जा रहा है एम तक, तो एम रोज हो गई इसमें। देखिए जो पहला वाला नंबर लिखा होता है ये हमेशा रोज की संख्या होती है, नंबर 2 होता है ये कॉलम की संख्या होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंटू, और देखिए कॉलम कितने इसमें 1, 2, 3 और कहाँ तक एन तक, तो इसका जो ऑर्डर था वो था हमारा एम इंटू एन, आपने यहाँ पर देखा भी था। अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, इस पर अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दिया, मैंने यही वाला मैट्रिक्स दिया, और इसमें अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि इसका जो एलिमेंट है यानी जो उससे पूछा एलिमेंट है आपका A32, तो इसमें आपसे अगर इस तरीके से आपको एक एलिमेंट दिया होगा, एक मैट्रिक्स दिया होगा, आपसे पूछेगा इस वाले एलिमेंट का नंबर बताइए क्या है, ये एलिमेंट इसमें कौन सा है, यानी A32 एलिमेंट इसमें कौन सा है, तो इसमें पता लगाएंगे कि पहला वाला आप जानते क्या है रोज है, दूसरा वाला कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो A32 होगा। देखिए थर्ड रो वहाँ पर आपकी ये रही,
फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का और सेकंड एलिमेंट यानी कि दो, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, टू होने वाला है। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं ए टू वन यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, थ्री है। इस तरीके से आपको सवाल मिलेंगे करने के लिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको मैं एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं कहीं भी नंबर ऑफ रोज लिखूंगा तो इसको मैं आर से प्रदर्शित करने वाला हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं सी से प्रदर्शित करने वाला हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कहीं पर मैं आर लिखता हूँ तो उसका मतलब है नंबर ऑफ रोज, और कहीं पर सी लिखता हूँ उसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स जो उसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स होने वाला है वो होने वाला है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको हम हिंदी में क्षैतिज आवयव भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्या होता है हॉरिजॉन्टल। पहले इसका एग्जांपल समझाता हूँ, वैसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद बता दूंगा इसका नियम क्या है। तो कोई मैट्रिक्स लिया आपने, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैट्रिक्स है आपके पास। तो देखिए इस मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई ज़्यादा है थोड़ी सी, लंबा ज़्यादा है और ऊँचा कम है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी रोज़ की संख्या जो कॉलम्स की संख्या से कम है। देखिए कॉलम कितने इसमें, 1 2 3 4 5, और रोज़ कितनी है, दो रोज़ हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रोज़ की संख्या से ज़्यादा होती है, यानी कि सी ग्रेटर देन आर, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ रोज़ से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की संख्या रोज़ की संख्या से ज़्यादा होती है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। सेम इसी की तरह जो आता है हमारा नंबर दो पे वर्टिकल मैट्रिक्स, तो इसे देखते हैं क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम से। तो आप देख सकते हैं कॉलम कितने, केवल दो कॉलम, और रोज कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि आर ग्रेटर देन सी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या ज़्यादा होती है रोज से, और वर्टिकल मैट्रिक्स में रोज की संख्या ज़्यादा होती है कॉलम से। ठीक है, तो तीसरा मैट्रिक्स होता है हमारे पास, उसे भी इसी में एक तरीके से समझ सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के, यानी रोज की संख्या भी बराबर हो कॉलम की संख्या के बराबर। जैसे कोई बना लेते हैं हम, एक आव्यूह 1 2 3 4, एक ही हो गया। देखिए इसमें रोज़ कितने हैं, दो रो हैं, और कॉलम कितने हैं, दो कॉलम हैं इसमें। अगला देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो देखिए आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, सॉरी नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, इसमें चार रो हैं, कॉलम देखिए कितने, 1 2 3 4 ही कॉलम है इसमें, फोर कॉलम है, फोर रोज है। इसका मतलब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कितना होगा, 1 × 1, इसका ऑर्डर लिखेंगे 4 × 4, इनका भी ऑर्डर आप बता सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना होने वाला है। नंबर ऑफ रोज की संख्या पहले लिखते हैं, तो दो रोज है, कॉलम कितने इसमें, 5, इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, और ऑर्डर कितना है इसमें, कॉलम कितने हैं, 2। और आपसे इसमें एलिमेंट की संख्या पूछो तो इनकी मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 16 एलिमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, सॉरी ये 1 × 2 × 1 नहीं होगा, इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, इसके 4 एलिमेंट है। आइए अगला देखते हैं, अगला टाइप जो होने वाला है हमारे पास नंबर 4 पे बच्चों हमारा होने वाला है रो मैट्रिक्स, या फिर से बोलते हैं हम और रो वेक्टर। ठीक है, रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रो कितनी होगी उसमें केवल एक ही रो होगी। ठीक है, तो बना लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ये है वो मैट्रिक्स। देखिए इसमें रो कितनी, केवल एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो ऑर्डर होने वाला है 1 × 6। तो आप ध्यान रखेंगे ड्रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक रो होती है, ठीक है, वन रो होती है ओनली। ठीक है, अगला नंबर 5 पे कॉलम मैट्रिक्स, और आप बोल सकते हैं तो कॉलम वेक्टर।
तो रो मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे ही आपका कॉलम मैट्रिक्स होने वाला है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है। बना लीजिए आप कुछ एग्जांपल में अपना, 5 4 3 2 1 0, ये है वो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज हैं इसमें, और कॉलम कितने हैं 1। तो इसका ऑर्डर होने वाला है 6 × 1। इसके बाद आपका जो होने वाला है जिसको बोलते हैं नंबर 6 पर नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उसे प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है आपका, जीरो नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों आपका नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए बना दो कोई भी मैट्रिक्स एक जिसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके, जीरो। तो जीरो 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 जीरो, ये हो गया, या फिर आप कुछ ऐसा ही बना सकते हैं, जीरो जीरो जीरो। देखिए इसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसके भी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, जीरो या नल मैट्रिक्स प्रदर्शित कहलाता है, इसको हम ओ से प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं और टाइप देखते हैं मैट्रिक्स के सेटअप करने के बाद। तो पहले हम अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, इसमें एक छोटी बात और देख लेते हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में आपको मिलेगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है और किसी में आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स होते हैं हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेंगे। तो आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स था हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2, ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो भी 3 है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल होते हैं, पहला देखिए ये होता है, दिख रहा हूँ आपको, और दूसरा डायगोनल जो होगा वो आपका ये होने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब दो मैट्रिक्स होते हैं, इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, और इसमें एक हमारा होता है लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल। तो देखिए लीडिंग डायगोनल होता है वो कौन सा होता है, इन दो में डायगोनल तो आपने देख ली दो होते हैं, लेकिन लीडिंग वाला कौन सा या मेन कौन सा है। तो देखिए अपर साइड के यानी लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर की तरफ जो डायगोनल बनता है हमारा, यानी कि ये वाला, ये हमारा होता है लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, इसका प्रयोग मैं बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ, कुछ जो डेफिनेशन आएंगी सारी इसी से जुड़कर आने वाली लीडिंग डायगोनल से। तो आइए हम अगले टाइप की बात करते हैं जो होने वाला है हमारा, कौन सा था, नंबर सेवन। तो हम अगला जो हमारे होने वाला है यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो अगला मैट्रिक्स होने वाला है यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, और इधर उधर वाले जो यानी बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। मेन यानी लीडिंग डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट्स 0 और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स भी क्या होने वाले हैं आपके, 1। तो एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा, तो देखिए क्या बताया आपको, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होने वाले हैं, 1, यानी 1 1 और 1, और अन्य सभी एलिमेंट आपके जो क्या होंगे वो 0। तो ये आपका कहलाएगा आइडेंटिटी, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 और अन्य सभी एलिमेंट्स के होने वाले हैं 0, तो आपका यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और देखिए अगर कहीं पर आपको सवाल में लिखा मिलता है I3, तो इसका मतलब होता है इसका ऑर्डर 3x3 का एक ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, अगला अगर I4 लिख दिया है तो इसका ऑर्डर होगा 4x4 का ये यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगला हमारा होने वाला है, अगला टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। अगला नंबर 8 है हमारा, ये क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके क्या होता है लीडिंग डायगोनल जो होता है उसके सभी एलिमेंट क्या हो, 1 ना हो, कुछ भी हो, लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी 0 होने चाहिए। जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स आपको दिखाता हूँ, एक 1 2 3, और इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके, 0 हैं,
यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सब मेन डायगोनल को छोड़कर सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, वो आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 पर, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, या इसे बोलते हैं अधिसावयव, इसे बोलते हैं विकर्णावयव, और इसको बोलते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स समान हो और शेष यानी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो क्या हो, फिर से जीरो हो। एग्जांपल देख सकते हैं आप, टू 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 और जीरो जीरो। अब ये मैट्रिक्स है आपके पास, देखिए इसके आपके मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, और बाकी के सारे एलिमेंट्स आपके क्या हैं, जीरो है। तो आपका जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो, वो भी क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि इसके देखिए मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट समान हैं और बाकी सब क्या है, जीरो है। तो इसकी कंडीशन जो वो फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब जो आपका आई होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स आपके यूनिट मैट्रिक्स नहीं होते। ये बात को ध्यान रखना, नोट करना, हो सकता है पूछ ले। अगला देखते हैं टाइप जो होने वाला है हमारे पास। तो अगला जो होने वाला है नंबर 9 पे आपका, नंबर 10 पे, इसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, अगर हम किसी एक मैट्रिक्स के कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को छोड़ दें तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है उसे हम सब मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए एग्जांपल समझते हैं, टू थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन थ्री टू वन, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। अगर मैं आपको इसकी ये फर्स्ट रॉ छोड़ फर्स्ट कॉलम छोड़ दूँ और फर्स्ट रॉ छोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बचने वाला है, केवल ये बचने वाला है इतना। तो इसका मैं एक अलग से मैट्रिक्स बना लूँ तो ये मेरा कहलाएगा फर्स्ट वाले का सब मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट वाले का ये मैट्रिक्स कहलाएगा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे और भी कई सारे बना सकते हैं आप, जैसे आप सेकेंड रॉ छोड़ दें ये और सेकेंड कॉलम छोड़ दें, जब छोड़ा आपने और इधर छोड़ दिया आपस बचा क्या, दो तीन, ऊपर टू बचा, इधर थ्री बचा है और फाइव और वन बचा है। तो ये वाले मैट्रिक्स भी क्या कहलाने वाला है, इसका सब मैट्रिक्स कहलाने वाला है। चाहे आप ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ सकते हैं या आप थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ सकते हैं, आप जितने भी साथ जितने भी बनेंगे मैट्रिक्स के, देखो टोटल जितने ऑर्डर का जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके सब मैट्रिक्स बनते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए इसके 9 आपको टोटल सब मैट्रिक्स मिलने वाले हैं। अगला जो टाइप होने वाला है सब मैट्रिक्स आप लोग समझ गए होंगे। अगला टाइप जो होने वाला है हमारे पास वो होने वाला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। नंबर 11 होने वाला है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता हूँ। मैट्रिक्स भी आपको कैसे लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, क्योंकि आप जानते हैं लीडिंग डायगोनल किसमें मिलता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलता है, या लीडिंग का कोई भी डायगोनल होगा वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा। तो एक बना लेते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ आपने बना लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तो आपका लीडिंग डायगोनल आप जानते हैं, आपका लीडिंग डायगोनल हो गया, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। अब आप ऊपर देखिए एक ट्रायंगुलर शेप बनने ही नहीं बन रही है यहाँ पर, अगर आप इसे देखें तो एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है आपकी, इसीलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर बनना है इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मेन डायगोनल के नीचे के या लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके, जीरो। ऐसे इसी के टाइप का एक और होता है जिसका नाम है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो सेम यही है और कुछ नहीं है जो आपने इसको देखा, इसमें ऊपर ट्रायंगल बनना है, इसमें नीचे ट्रायंगल बनेगा, यानी डेफिनेशन भी वही रहने वाली सेम, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो बना लीजिए एक मैट्रिक्स ऐसा, टू थ्री फोर फाइव जीरो सेवन एट नाइन जीरो जीरो थ्री टू
और 0 0 0 1। तो देखिए आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा। अब देखिए इसमें ये आपका लीडिंग डायगोनल हो गया और इसके ऊपर के सभी सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। ये जीरो बना है और ये भी जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं आपका कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ एक ट्रायंगुलर बनना है, इसी से बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं सम ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए आपको सम ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स का सम निकाला जाता है जिनके ऑर्डर समान होते हैं। केवल हम उन्हीं मैट्रिक्स का सम निकाल सकते हैं जिनके ऑर्डर क्या है, समान है। डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का सम नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए मैं आपको दो मैट्रिक्स दे देता हूँ। पहला मैट्रिक्स है मेरे पास ए 1 2 और है एक 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है जो बी वो है मेरे पास 3 2 4 5, और एक तीसरा भी मैट्रिक्स है मेरे पास सी जो होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स है मेरे पास, ये मान लीजिए। अब मुझे सम बताना है, मुझे बताना है ए प्लस बी क्या होने वाला है, बी प्लस सी क्या होने वाला है, और सी प्लस ए क्या होने वाला है, ये बताना है मुझे। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, और इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। तो मैंने अभी आपको बताया वह मैट्रिक्स जिनका, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है कि हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं का सम हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इनका ऑर्डर कितना 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना 2 इंटू 2, यानी ए प्लस बी हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ए प्लस बी पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल नॉट पॉसिबल करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है। दूसरा कंडीशन बी प्लस सी, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, क्या सम पॉसिबल होगा, नहीं होगा, यानी ये वाला सम पॉसिबल नहीं है। और ए प्लस सी में भी सेम कंडीशन, ऑर्डर 2 इंटू 2, उधर ऑर्डर 3 इंटू 3, तो इसका भी सम पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका सम पॉसिबल है तो लिख लेगा कैसे, तो देखिए लिख लेगा कैसे ए प्लस बी, अब ये भी बात आपको जाननी है। तो देखिए ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर दो 3 प्लस 1 4, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7, इसके सेकंड इसके फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट में ऐड कर दो, यानी सेम नंबर वाले जो होंगे आपको सेम नंबर में ऐड हो जाएंगे, 4 वाला 5 में 9। अब देखिए अगर आप उसको उसमें ऐड करते तो कहाँ हो पाता, इन 4 में तो ऐड हो जाता, बते हुए तो ये रह जाते ना, इसलिए इसमें इसका सम पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको करना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में आपको ऐड करना है, ये हो गया इसका सम। अब कुछ इसके नियम हैं एडिशन के, देखते हैं क्या होते हैं। तो कुछ नियम होते हैं हमारे एडिशन के, उनको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं कि ये मैट्रिक्स फॉलो करता है उन्हें नहीं करता है। तो पहला लॉ होने वाला है हमारे पास कॉमोटेटिव लॉ, तो कॉमोटेटिव क्या कहता है लॉ जो होता है, तो हमारे पास मान लेते हैं दो मैट्रिक्स हैं, पहला मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है। तो जो कॉमोटेटिव लॉ होता है वो कहता है कि ए प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए बी प्लस ए के, यही होता है कॉमोटेटिव लॉ, वेरीफाई करते हैं इसे। अभी देखिए तो मान लेते हैं कुछ लेट, मान लेंगे हम ए बराबर माना मैंने कुछ 1, कुछ अलग तरीके का मानते हैं इस बार, ए बराबर माना ए बी सी और डी, ठीक है, और बी बराबर माना मैंने कुछ 2 3 4 5, ये है कुछ ए ये है और बी आपका ये है। तो आपको पहले निकालना है ए प्लस बी, तो आपको ए में बी ऐड करना है, यानी कि इसका पहला इसके पहले के साथ ए प्लस 2 होने वाला है, ये अगला वाला क्या होगा आपका सी प्लस 4 और बी प्लस 3 अगला डी प्लस 5, ठीक है, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, तो आपको जोड़ लिए। अगला आपको निकालना है बी प्लस ए, वही निकालते हैं बी प्लस ए, तो बी क्या है 2 प्लस ए, उल्टा लिख देंगे थोड़ा सा 4 प्लस सी 4 प्लस सी 3 प्लस बी और 5 प्लस डी। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप निकालिए 2 प्लस 3 तो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर मैं आपसे कहूँ निकालिए 3 प्लस 2 कितना आएगा, हर हाल में आना तो 5 ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ए प्लस 2, यहाँ पर लिखा है 2 प्लस ए, तो बात तो एक ही है भाई, सेम कंडीशन यहाँ बन रही है यहाँ बन रही है, देखिए सब तरफ सेम कंडीशन बन रही है। इसका मतलब क्या, आपका ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए, यानी कि जो मैट्रिक्स होते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो सही है, नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लॉ होने वाला है लॉ नंबर 2, वो होने वाला हमारा एसोसिएटिव लॉ।
तो करते हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यानी कोई मैट्रिक्स है आपके पास, इस बार दो मैट्रिक्स, तभी हमारे पास तीन मैट्रिक्स होंगे ए बी और सी। तो अगर हमारा हम ए प्लस बी को पहले जोड़ें और बाद में इसमें सी ऐड करें तो इक्वल टू होना चाहिए हमारा, ए को छोड़ दें और बी प्लस सी को पहले ऐड करें उसके बाद हम ए को जोड़ें, तो इसके हमारा जब इक्वल टू होगा तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मान लेते हैं वही पुराना तरीका कुछ मैट्रिक्स मान के चलते हैं, या फिर आप लोग सीधे सीधे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और आपका कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो करता है। ठीक है चलो शुरू करते हैं इसे करना। क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, मान लेते हैं ये बराबर कुछ 1, 2, 4, 3 ठीक है। अगला बी बराबर कुछ मान लेते हैं हम माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7, और सी बराबर एक और मान लेते हैं 9, 10, 11, 12। ये आपके पास तीन मैट्रिक्स थे ठीक है। तो पहला आपको ये वाली साइड सॉल्व करनी लेगा, तो आपको निकालना है ए बी प्लस सी। तो पहले आपको ए बी को ऐड करना है फिर सी को ऐड करना, तो पहले मैं ए बी को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास माइनस का 4 था और प्लस का 1 था, तो कितना होने वाला है माइनस का 3, ये माइनस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 5 यानी माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 6 यानी माइनस का 4 और 3 में से 7 माइनस का 4, ये मिला मुझको। अगला देखिए आगे, अब मुझे इसमें सी ऐड करना, तो सी क्या था 9, 11, 10, 12। करते हैं इसे ऐड, तो 9 में से 3 जाएंगे आपका कितना बचने वाला है 6, 11 में से 1 10, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर आपका 8। तो ये आपका आया ए प्लस बी और प्लस सी करा जब हमने बैड मैट, तो आपको ये मिला। अगला आगे चलते हैं, अगला निकालते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी करके ठीक है। तो बी प्लस सी को पहले ऐड करना है, तो कर लीजिए बी प्लस सी पहले ऐड, 9 और 4 कितना हो गया आपका, ए को छोड़ देते हैं, हमारे पास क्या था 1, 2, 4, 3 प्लस कर लीजिए 4, माइनस का 4 और प्लस का 9 यानी प्लस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 11, तो कितना होने वाला है प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 10 यानी कि 4, माइनस का 7 और प्लस का 10 यानी कि 5 प्लस का। अब आपको इन्हें ऐड करना है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 4 10 और ये आपका हो गया 6 और ये आपका 8। तो ज़रा मैच कराइए इसको पहले वाले से, देखिए क्या सेम लिखा है। देखिए यहाँ पर भी 6, 6, 8, 10, 8, 6, 6, 10, 8 यानी कि आपका क्या हुआ, आपने जब ऐसे जो ऐड करा फिर आपने इस तरीके से ऐड करा, यानी दोनों साइड आपकी इक्वल टू आई, इक्वल आई, जब ऐसी साइड आपकी इक्वल आ जाती है दोनों तरफ, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर, आप कहते हैं आपका एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, यानी आव्यूह में आप इस लॉ को भी फॉलो कर सकते हैं, आप किसी को भी पहले जोड़ें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो आगे देखते हैं, तो अगला हमारा कुछ बातें आपको बताता हूँ एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो एडिटिव इन्वर्स की बात कर लेते हैं हम पहले, जो एडिटिव इन्वर्स होता है, तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में कुछ ऐसे नंबर्स को ऐड करें जिससे वो हमारा क्या हो जाए, मैट्रिक्स आपका जीरो हो जाए, यानी कि आपका जो नल मैट्रिक्स बन जाए, तो क्या होगा, अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए में उसी का माइनस वाला मैट्रिक्स ऐड कर दूँ माइनस करके, तो हमारा क्या मिल जाएगा, मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर आप इस बात को एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, पहले मैं आपको बता दूँ ए मैट्रिक्स है, ए बराबर मैंने माना 1, 2, 3, 4, तो माइनस ए जो होने वाला है वो क्या होगा, माइनस ए होगा माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 4, ये होगा आपका माइनस का ए। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूँगा ए माइनस ए इक्वल टू, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जब मैं 1 में 1 ऐड करूँगा तो 0, 3 से 3 जाएगा तो 0, माइनस का 2 प्लस का 2 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0। तो ये क्या, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नन मैट्रिक्स, और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स का क्या आपका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसी का माइनस वाला मैट्रिक्स होता है, यानी माइनस लगा देंगे उसके आगे आपका एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। कोई मैट्रिक्स बी है तो उसका एडिटिव इन्वर्स की बात करें माइनस का बी, मैट्रिक्स सी है तो एडिटिव इन्वर्स की बात करें माइनस का सी। अब अगला एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, अगर किसी मैट्रिक्स में हम एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ें कि उस मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है, नल मैट्रिक्स होता है, हम जानते हैं। अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स जोड़ दूंगा तो उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क पड़ेगा
नहीं पड़ेगा, और एक बराबर से मुझे फिर से भाई मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 5 4 3 2 3 2, और इसमें मैं एक मैट्रिक्स ऐड कर दूँ नल मैट्रिक्स, तो आप ऐड करेंगे फिर से आपको क्या मिल जाएगा 5 4 3 2 ही तो मिल जाएगा आपको फिर से। यानी आपने इसमें एक मैट्रिक्स जोड़ा, कौन सा वाला, नल मैट्रिक्स जोड़ा, और अब फिर से आपको वही मिल गया। तो किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है। तो इसी के बाद जो हमारा नंबर लॉ आने वाला है नंबर 3, जिसका नाम है कैंसिलेशन लॉ, उसको समझने से रफ करने के बाद शुरू करते हैं बच्चों। अगला है हमारे पास कैंसिलेशन लॉ। क्या होता है, अगर आपको दे रखा है दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, और एक और मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए बी प्लस ए प्लस सी, तो आपके पास तीन मैट्रिक्स थे, इसमें आपका ए प्लस बी इक्वल टू था ए प्लस सी के। तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन लॉ होता है उसमें आपका ए कैंसिल हो जाएगा और आपका बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये नियम का भी मैट्रिक्स फॉलो करता, लेकिन करता कैसे इस बात की बात करते हैं। इसी इक्वेशन को ले लेते हैं हमें, अगर इस इक्वेशन में मैं आर एच और एल एच एस में दोनों तरफ माइनस ए ऐड कर दूँ, तो माइनस ए प्लस ए प्लस बी इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए प्लस सी इक्वल टू, ये हो गया आपके पास। अब आप जानते हैं क्या होता है आपका, ये नल मैट्रिक्स होता है, और क्या होता है आपका, ये भी नल मैट्रिक्स होगा। अब ये क्या हो गया आपका, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी हो गई आपकी, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई आपकी। अब किसी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से निकल कर आया बी इक्वल टू सी, यानी मैट्रिक्स बी बराबर होगा मैट्रिक्स सी के। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।